कैसे हैं मेरे भाई बहन लोग जी। अगर इसमें आ चुका हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके, और इस वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो हम बता देंगे। पर पहले स्वागत करते हैं हम सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, डोज ऑफ क्लैश। जी हाँ गाइस, डोज ऑफ क्लैश में आपका सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो में होने वाला है वॉर बेसिस के लिंक शेयर भी होंगे इस वीडियो में, आपको वॉर बेसिस बताएंगे। इफ यू हैव अ टाउन हॉल 9, दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस, बिकॉज द टाउन हॉल 9 वॉर बेसिस विल बी रिवील्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस चैनल पे। लास्ट की वीडियोज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है वीडियोज का, आप लोगों का काफी सपोर्ट आया है, तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो और कर दो सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो। तो चलिए गाइस आपको बताते हैं बेसिस के बारे में, वॉर बेसिस कैसे करनी है। अगर आपके पास एक टाउन हॉल 9 है, इफ यू आर अ टाउन हॉल 9 एंड इफ यू आर लुकिंग टू कम्पीट अगेंस्ट टाउन हॉल 9, तो ये सारे बेसिस आपको बहुत फायदे में देने वाले हैं। आपको कुछ बेसिस दिखाऊंगा, उस बेसिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। ऑल द लिंक्स ऑफ द शेयर्ड बेसिस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, make sure to copy that out, but let's show you the basis of war. जी हाँ guys, war काफी important रहती है कुछ clans के लिए, काफी ज़्यादा कुछ clans war में participate करते हैं, उनको चाहिए अच्छे basis, बढ़िया basis, ताकि wars अच्छी जाए। तो इसी तरीके से मैं कुछ basis निकाले हैं, तीन basis मेरे हिसाब से ये top basis होंगे। These will be the three top basis for a town online if you are competing, you know, in wars. तो वॉर्स के लिए सबसे बढ़िया बेसिस देंगे। पहला बेस जो मुझे लगता है बड़ा अच्छा बेस है, तो देखो गाइस जब आप वॉर लगाते हो, अगर आप टाउन हॉल 9 स्पेसिफिक टाउन हॉल रखते हो, सिर्फ टाउन हॉल 9 के लिए अगर आप वॉर लगा रहे हो, तो ये बेसिस बहुत सस्टेनेबल हैं, रहेंगे, तोड़ने की कोशिश इसको की जाएगी अच्छे प्लेयरों। ये बहुत मुश्किल बेस है, इसको 3-स्टार लाना नॉट अ ईजी थिंग। तो इस इसको बेस, इस बेस में आपको मैं दिखाऊंगा, सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि इसका टाउन हॉल, जो टाउन हॉल के पीछे क्लैन कैसल है, ये क्लैन कैसल बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर की वजह में होने की वजह से इसका जो क्लैन कैसल के ट्रुप्स हैं वो निकलते नहीं इतनी आसानी से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रेडियस, देखिए रेडियस के बाहर भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, आर्चर टावर, कैनन्स, ये सारी बिल्डिंग्स इसकी रेडियस के बाहर लगी हुई हैं। तो जब कोई यहाँ पे लूर करने की कोशिश करता है क्लैन कैसल को, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लैन कैसल जिस रेडियस में फॉल होता है, यहाँ पे आर्चर टावर्स यहाँ पे हैं, मैंने इस साइड पे गाइस कुछ टावर्स, ये यू नो ट्रैप्स भी रखे हैं, तो जब कोई आगे यहाँ पे लूर करेगा तो ये ट्रैप्स बाहर निकल जाएंगे। एक को एयर रखिए, दूसरे को ग्राउंड रखें, यहाँ पे मैंने एक्चुअली एयर पे एक रखा हुआ था, एक को ग्राउंड पे रखेंगे। तो इस तरीके से जब कोई अटैक करता है, सबकी कोशिश रहती है कि टाउन हॉल वाली कंपार्टमेंट से बढ़ा जाए, ताकि टाउन हॉल पहले टेक डाउन हो। पर यहाँ पे क्लैन कैसल को भी अगर उन्होंने लोअर करना है तो बहुत मुश्किल रहेगा। रेडियस आप इसका देख सकते हैं बहुत इजीली, मैं इसका लिंक बेस का शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं रेडियस के इर्द गिर्द ही सारी बिल्डिंग्स है। रेडियस के बाहर आपको अंदर इसको लोअर करना है क्लैन कैसल को, तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे। और यही इस बेस की खास बात है कि वेरी डिफिकल्ट टू लोड आउट द क्लैन कैसल ट्रूप्स ऑफ दिस स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजर टावर हर चारों दिशा में यू नो गार्डेड है। विजर टावर आपको पता है स्लैश डैमेज देते हैं और काफ़ी सारी ट्रूप्स एक साथ वो डैमेज देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया इसमें डिजाइनिंग की गई है ताकि विजर टावर सारी दिशा को कवर कर सके। उसके साथ ही साथ क्लैन कैसल बिल्कुल मिडल में है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेडियस इसको लोअर करने में बहुत मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पे टेस्ला फार्म, थोड़ी टेस्लास भी हमने रखी हुई है, एक्सपाव भी थोड़ा सेंटर में रखा हुआ था कि एक्सपाव बच के रहें, ज़्यादा जल्दी से इनको टेकडाउन नहीं किया जाए तो यू नो अटैक्स में थोड़ी दिक्कत होगी। तो गाइज ये वाला बेस मुझे लगता है एंटी 2-स्टार है, पर आपको पता है गाइज टाउन हॉल 9 को प्रो बंदा है जिसको अटैक करना आता है तो ऑब्वियसली वो 3-स्टार तो लाएगा ही। बट ये बेस में अगर कोई यू नो ऐसे वाला प्लेयर है जो
अटैक अच्छा भी करता है बुरा भी करता है, तो उसको इस बेस में दिक्कत होगी। तो आप इसको कॉपी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये बेस को अगर आपने इस्तेमाल किया है तो कैसा इसका रिजल्ट रहा है। दूसरा बेस ये गाइस, ये वाला बेस जो है ये मैंने अपनी ट्रॉफी पुशिंग में भी लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, टेस्ला फार्म है इस साइड पे, यहाँ पे टेस्ला फार्म की गई है और इस टेस्ला तक पहुँचने के लिए आपको ये मल्टीपल यू नो स्टोरेज टेक डाउन करनी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल रहेगा। एयर डिफेंस हमने थोड़ी लोअर की हुई है ताकि एयर डिफेंस के झांसे में बंदा आके इसको बोले कि भाई मेरे को अगर कोई एयर यू नो अटैकिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि भाई एयर को पहले इसको टेक डाउन करें, कुछ भी और एयर को टेक डाउन करने के लिए उसको यहाँ पे ट्रैप्स का यू नो मुश्किल होने वाली है, ट्रैप्स उसका ध्यान भटका देंगे, फिर टेस्ला निकल के आएंगी, टेस्ला फार्म किया हुआ है यहाँ पे, एयर डिफेंस को लेने जाएगा और मल्टीपल अपने ट्रूप्स खोता हुआ यहाँ पे एनिमी का बंदा खराब कर देगा अपना अटैक। रुको जरा, सबर करो। और यहाँ पे दूसरी बात वही सेम चीज की है हमने कि क्लैन कैसल को बिल्कुल बीच में रखा है, सेंटर में रखा है ताकि लोअर करने में बहुत मुश्किल हो। कोशिश करेंगे बंदे की यार यहाँ से करें वो अटैक। और साथ ही साथ यहाँ पे विजिट को आप चाहें तो इस विजिट को आप चेंज कर सकते हैं दूसरी बिल्डिंग से, बट जैसे मैंने ये बेस को रखा है वैसे ही रखिएगा। ट्रैप्स हैं यहाँ पे, आप टेस्ला फार्म की वजह से यहाँ पे दिक्कत तो होने वाली है, बंदा देखेगा एयर डिफेंस बार लगी हुई है, टाउन हॉल भी थोड़ा पास में है, तो सारे यहीं से जाते हैं और यहीं पे ये लोग ख़राब कर देते हैं अपना अटैक। तो सेंटर में टाउन हॉल रखने का यहाँ पे प्लान था। एक्चुअली मैंने सेंटर में इसको भी रखा है बट मैंने यहाँ पे, अगर आप चाहें ये थोड़ी मैंने एडिशन की है इस बेस में, पर ये जो क्लैन कैसल था यार, ये क्लैन कैसल था इधर हुआ था, तो टाउन हॉल बिल्कुल सेंटर में था। तो बंदे क्या करते हैं यार, यहाँ पे क्लैन कैसल को लेने के लिए जाते हैं, एयर डिफेंस भी बाहर लगी हुई है, तो वो कहते हैं कि यार एयर डिफेंस को लेके जाए, हो सकता है बंदे एयर ट्रूप्स यूज़ नहीं कर रहे हो तो एयर डिफेंस का और उनके दिमाग में आएगा नहीं, पर क्लैन कैसल को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो यहीं को इसको लूअर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे टेस्ला फार्म जब उनको देखेगी तो गाइस उनका अटैक होने वाला है बिल्कुल गड़बड़। तो यहाँ पे क्लैन कैसल था पहले, तो इस तरीके से ये बेस को भी आप कॉपी कीजिए और मुझे बताइएगा ये बेस आपको कैसा लगा, क्या इस बेस में कुछ फ़ायदा हुआ आपको कि नहीं हुआ, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट का जो बेस है, ये वाला जो बेस है, ये भी हमने ट्राई किया हुआ है गाइस, इसको निकालना। इसमें गाइस ये एंटी 3-स्टार है, इसमें क्लैन कैसल जो है बहुत मुश्किल से लोअर होती है, यहाँ पे क्लैन कैसल लोअर ही नहीं कर सकते आप, मतलब इतना वो है। एंटी 3-स्टार बेस है गाइस, एंटी 3-स्टार इसलिए है क्योंकि इसकी क्लैन कैसल जो है ना गाइस, ये क्लैन कैसल लोअर ही नहीं कर सकता कोई, मतलब उसको लोअर करने के लिए इतनी दिक्कत होगी कि उसको टावर इतने तोड़ाने पड़ेंगे अपने और ट्रैप्स का सामना इतना करना पड़ेगा कि ये क्लैन कैसल भाई इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू। लाइक क्लैन कैसल को इस बेस से लोअर करना बहुत मुश्किल है, तो लोग क्या करते हैं कि यार थोड़ा बाहर दिख रहा है इनको तो टाउन हॉल को लेने की कोशिश करते हैं और लेते लेते खुद उनकी ट्रूप्स की क्लैन कैसल ले लेते हैं। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से गाइस ये बेस भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपने टॉप 3 सजेस्टेड बेस आपको दिखा दिए हैं, आप इसको कॉपी कीजिए, लिंक सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक्स ऑफ द शेड बेसिस दैट आई एम शोइंग यू राइट नाउ इन द स्क्रीन्स। दीज आर द टॉप टाउन हॉल वॉर बेसिस फॉर मी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दीज बेसिस, अगर आपके फायदे में ये बेसिस रहे तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको ये बेसिस टाउन ऑनलाइन की क्लैन वॉर लीग में लगाओगे तो बहुत फायदा होने वाला है, नहीं तो वॉर में तो आप ट्राई कर ही सकते हो। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे लगा कि शायद कुछ मेरे को मैसेजेस आए थे कि यार टाउन ऑनलाइन का अपना बेस शेयर कर दो, वॉर बेस शेयर कर दो, तो मेरे पास यू नो ऐसी क्वेरीज आती रहती है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ उसके ऊपर, तो उनको बेसिस भी मिल जाएंगे, उनको पता भी चल जाएगा इस तरीके से बेसिस ये होल्ड कर पाते हैं, तो वो कॉपी भी कर सकते हैं। तो लिंक सारे इन बेसिस का लिंक मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और गाइस ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो इस चैनल पे, सपोर्ट होना चाहिए आपका, जैसे दिखा रहे हो वैसे ही सपोर्ट रहो, और जल्द से जल्द और अच्छी वीडियोस लाऊंगा इस चैनल पे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर द कॉइन नेवर स्टॉप द डोनेटर्स कीप डोनेटिंग एंड द वॉरियर्स कीप ऑन रोलिंग। आई एम आउट विद दिस, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।
आ गए गाइस वीडियो लेके आपके सामने। बहुत अच्छा वीडियो पे सपोर्ट दिखा रहे हो आप लोग। लास्ट की वीडियोस में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है, पर फिर भी हम बोलना चाहते हैं मज़ा नहीं आ रहा है। जी हाँ गाइस, मज़ा आ जाएगा आपको। और आपको मज़ा लेने के लिए सब्सक्राइब करना है, राइट लेफ्ट सेंटर जहाँ पे भी दिख रहा है। आँख मारो, मुंह मारो, नाक मारो, जो मारना है मार दो, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।